शानदार स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई है। आपको बताते चले, राउंड टेबल में जंग से उपजे हालात के अलावा कई अहम मुद्दे रहे अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर चर्चा की गई है। रात में प्रधानमंत्री की उद्योगपतियों से भी बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मोदी से मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर का बड़ा बयान सामने आया है, पुतिन जल्द युद्ध खत्म करें। जर्मन चांसलर की ओर से यह कहा गया है, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग जारी है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जंग खत्म करने की अपील की गई है। जर्मन चांसलर ने रूस से युद्ध खत्म करने की अपील की है। Which allows us to benefit from the enormous potential of migration and skilled labour to both our countries' interest and benefit. This goes to show that our relationship is not only broad and intensive, but it is also based on a deep sense of trust. Prime Minister, thank you very much for having come to Berlin today. Thank you for your personal commitment, which has made it possible for us to have a successful exchange of views today. And I look forward already now to the next intergovernmental consultation in 2 years' time in New Delhi. Thank you. साझा बयान और अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। गुटेन टैग, नमस्कार। सबसे पहले मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं चांसलर शोल्ज का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष की मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी में हो रही है। इस वर्ष के शुरुआत में किसी विदेशी लीडर के साथ मेरी पहली टेलीफोन वार्ता भी मेरे मित्र चांसलर शोल्ज के साथ हुई थी। चांसलर शोल्ज के लिए भी आज की भारत जर्मनी आईजीसी इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली आईजीसी है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी, तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की
कोशिश कर रहे हैं। आज छठी आईजीसी में से भारत जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर सोर्च को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मैं यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारा यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत आर्थिक रिकवरी का प्रमुख स्तंभ बना है। पुतिन जल्द युद्ध खत्म करें, जर्मन चांसलर ने यह बात कही। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया कि युद्ध वास्तव में एक ऐसी स्थिति होती है। हालांकि भारत का रुख जो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है उसमें पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा यूक्रेन संकट शुरू होते ही युद्ध विराम की स्थिति बननी चाहिए, यूक्रेन संकट का हल बातचीत से ही होगा, बातचीत पर जोर दिया जाना चाहिए, युद्ध में विजयी कोई नहीं होगा। ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। हम शांति के पक्षधर हैं, हिंदुस्तान का पक्ष रखते हुए युद्ध में सभी का नुकसान होगा और इसी वजह से युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। यूक्रेन संकट की वजह से तेल कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। मानवीय मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान भारत चिंतित है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन पर भी अपनी बात कहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया और ये कहा कि कोरोना के संकट काल के बावजूद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ओर से इस मंच पर
क्या कहा गया इस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी और उन्होंने अपने रिश्तों का भी जिक्र किया और ये कहा कि अगर पहली बार इस साल में मैं किसी देश की यात्रा पर निकला हुआ हूं तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान अपने मित्र देशों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बड़ी बात जो रशिया और यूक्रेन के मामले में चल रही है उसमें खुलकर हिंदुस्तान का पक्ष बड़े मंच पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मानवीय पक्ष का उन्होंने जिक्र किया ये कहते हुए कि यूक्रेन को हमने मदद भेजी है। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है, उनकी ओर से मानवीय पक्ष का पर जोर दिया गया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। यकीनन जिस तरह की भयावह तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं, वो अपने आप में परेशानी का बहुत बड़ा कारण, क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बातें कही है एक बार फिर से सुनिए। कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है, इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया यूक्रेन को हमने मानवीय सहायता भेजी है, इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। युद्ध से दुनिया में महंगाई बढ़ी है, तेल की कीमतों का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया। यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके मद्देनजर ये युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो दुनिया को इसी का इंतजार है और उसी से फायदा भी होगा, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज बकायदा जर्मन चांसलर की ओर से इस बारे में जिक्र किया गया और सीधे पुतिन को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करें पुतिन। लेकिन क्या ऐसा होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, यकीनन दोनों देश इसके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के साथ आज इस मंच से जो बड़ा संदेश न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए गया है बल्कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बार बार फोन पर मदद मांगी गई। हालांकि मानवीय सहायता हिंदुस्तान ने हमेशा उपलब्ध कराई, लेकिन दोनों ही देशों के बीच अपनी तटस्थ भूमिका को भारत ने बनाकर रखा हुआ है और इसी बीच प्रधानमंत्री का ये बयान हम शांति के पक्षधर हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। पुतिन को इसके जरिए संदेश भी देने की कोशिश तो वहीं यूक्रेन को यह भरोसा देने की कोशिश कि इस मुश्किल घड़ी में मानवीय संवेदनाओं के साथ हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है।